देखिए, ये काफ़ी बड़ा गुड वर्क स्वाट टीम ने और थाना दिल्ली पुलिस इनकी मिली जुली टीम ने किया। स्वाट टीम का काफ़ी इम्पोर्टेंट इसमें योगदान है। 20 मोबाइल बरामद हुए हैं, 5 मुलजिम गिरफ्तार किए गए हैं और एक बड़े नेटवर्क का पता चला है कि जिस नेटवर्क को ये जो है अपने मोबाइल सप्लाई करते थे, जैसा कि आपने देखा होगा अभी, ये सभी हाई एंड और लग्जरी मोबाइल्स हैं, जगह जगह से छीने गए। इसमें कुछ मोबाइल्स हम लोगों ने कनेक्ट किए, लेकिन चूँकि 24 घंटे में अभियुक्तों को पेश करना है, तमाम उसमें लिखा पढ़ी करनी है, तो अभी विवेचना के क्रम में जैसे जैसे और चीज़ें सामने आएंगी उस क्रम में हम जो आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं काफ़ी जो है एप्पल कंपनी के महंगे मोबाइल्स हैं, ओप्पो के, HTC के, यानी हाई एंड मोबाइल्स को ही ये लोग केवल लूटते थे, चुराते थे। और उसके बाद में गिरोह का सरगना जो पहले भी गैंगस्टर में और तमाम इस तरह के अभियोगों में निरुद्ध हुआ है, उसको मोबाइल माफिया कहते हैं, उसके साथ इनका संपर्क था। ये सारे लिंकेजेस हम विवेचना में पता करेंगे और इनके गैंग में और कौन लोग शामिल हैं उन सभी का अनावरण करके इसमें विवेचना का पूर्ण रूप से निर्धारण करेंगे। सर, इसमें कुछ आपराधिक इतिहास वगैरह पता चला किसी का? हाँ, इसमें आपराधिक इतिहास है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये व्यक्ति जो सरगना है उसके के ऊपर तो जो है काफ़ी मुकदमे हैं और मोबाइल्स को बाहर बेचने का और बड़े काफ़ी लंबे लिंकेजेस हैं वो उसका काम करता था। पहले भी कई बहुत भारी मात्रा में उसके बाद मोबाइल बरामद हो चुके हैं। ये जो मुलजिम है ये स्थानीय है। इसमें 4 लोग लिसाड़ीगढ़ थाना क्षेत्र के, एक रेलवे रोड का है। इनके भी क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में हम जानकारी कर रहे हैं। एक मोटरसाइकिल मिली है जिसके भी वेयरअबाउट्स नहीं मालूम है, उन सभी की जानकारी करके विवेचना के क्रम में आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या दुकानदारों पर भी कार्रवाई की जाएगी जिन्हें बेचते थे ये? हाँ, निश्चित रूप से अगर ये जानकारी आएगी कि ये अवैधानिक रूप से दुकानदारों को बेच रहे थे और दुकानदार जानते हुए जो है ये खरीदते, तो उनकी भी कार्रवाई होनी चाहिए, हम जरूर करेंगे।